ये सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सनसेट। इसको मैं टेस्ट मूवी करके देखता हूँ। तो टेस्ट मूवी जब मैं करूँगा तो सीन वन पहले दिख रहा है और सीन टू उसके बाद दिख रहा है। देख रहे हैं सन सनराइज हो रहा है, और सनसेट में मैंने थोड़ा सन को थोड़ा वापस तिरछे से लाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन रिपीटिव लगेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड विद सौमिक में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एडोब फ्लैश CS3 में कैसे सनसेट और सनराइज हो सकता है। सनराइज और सनसेट होने का जो एनिमेशन है वो आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे दोस्तों कि कैसे सीन क्रिएट किया जा सकता है। सीन वन, सीन टू, सीन थ्री, ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ओपन करेंगे फ्लैश को। तो सबसे पहले फ्लैश ओपन कर लेंगे। तो फ्लैश CS3 मैंने ओपन कर लिया है और एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लेयर्स पे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक लेयर वन जो है इसको मैं करता हूँ सीन या सीनरी कर सकते हैं कुछ भी। तो ये मैंने सीन नाम का एक लेयर बना दिया, और एक और मैं लेयर क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा सन। तो क्योंकि सनसेट या सनराइज बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सन और सीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सन का लेयर जो है ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है कि सन के लेयर में अगर मैं एक सन क्रिएट करूँगा तो सन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आइए सन वाले लेयर पे चलते हैं और एक सन क्रिएट करता हूँ मैं। तो सन कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओवल टूल लेंगे और सपोज करिए जब मॉर्निंग में सन आप देखते होंगे तो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज कलर का आपको सन दिखता होगा। सपोज करिए इस टाइप का एक सन दिखता होगा। तो ये आपने क्या बना लिया, एक सन बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सन के में लिया हुआ है। और अब आपको एक क्या लेना है, एक सीन लेना है। तो सीन या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप वेबसाइट से कोई सीन क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कि सबसे पहले तो एक रिमूव बीजी नाम के वेबसाइट में जाएंगे। रिमूव बीजी नाम के वेबसाइट में जाएंगे, ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आप क्या करेंगे कि किसी भी इमेज को आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इस इमेज को सेव करते हैं, ये देखिए मैं सेव करने जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, मैं ये सेव करने जा रहा हूँ इस इमेज को। और इस इमेज को मैंने सेव करने के बाद जब मैं आप इसको अपलोड करेंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा कि ये इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। अब ये देखिए ओरिजिनल वीडियो देखिए, ओरिजिनल फोटो देखिए, बैकग्राउंड है और रिमूव होने के बाद देखिए ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। अब जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो ये PNG फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस इमेज को आप क्या करिएगा, ड्रैग करके या फिर कॉपी करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अल्ट के साथ, इसको एडजस्ट करेंगे ये देखिए, और इसको अल्ट की के साथ एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि एडजस्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैं लेफ्ट में देख लेता हूँ इसको। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि इस सीन का जो लेयर है इसको मैं अगर रीऑर्डर करता हूँ। अब देखिए, अब आपको देख के लग रहा होगा कि जो सन है ये कहाँ पे है, ये आपका पीछे है, आपके गार्डन के पीछे, आपके पेड़ के पीछे है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप सन वन पे क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, तो जस्ट लगा है कि उग ही रहा है बस, है ना। तो ये फ्रेम वन हो गया आपका, फ्रेम वन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको सनराइज के फॉर्मेट में करना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपका जो सनराइज है ये स्लो होगा तो ज़्यादा फ्रेम आपको लेना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ 30 का एक फ्रेम लेता हूँ, और इसको दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट की फ्रेम लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सन का जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे है। सन का लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सन का लास्ट पॉइंट होना चाहिए कुछ यहाँ पे। कहाँ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए। और साथ ही साथ ये सन का जो कलर है ये थोड़ा सा, सन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा होना चाहिए। ये सन को मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। ये सन का पहला लोकेशन यहाँ पे है ऑरेंज कलर का, और सन का जो लास्ट लोकेशन ये यहाँ पे है। अब दोस्तों जब सन जब पूरा बड़ा हो जाता है, जब सनराइज अच्छे से हो जाता है, तो इसके कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो आप वापस कलर में जाइए और इसके कलर को चेंज कर दीजिए, जैसे येल्लो हो जाता है वो। अब देखिए येल्लो कलर ठीक लग रहा है। तो पहला जो फ्रेम है वहाँ पे सन ऐसा है, और जो लास्ट पॉइंट
पॉइंट है वो यहाँ पे है, या फिर इसको और थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं आप, जैसा भी आपको ठीक लगे, और बड़ा भी कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने सन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे शेप ट्विन करना है दोस्तों। यहाँ पे मुझे क्या करना है, शेप ट्विन करना है। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोशन ट्विन भी कर सकते हैं, मोशन ट्विन से अच्छा होगा शेप ट्विन करना। तो शेप ट्विन मैं करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, शेप भी चेंज होगा और कलर भी चेंज होगा। मोशन ट्विन में शेप या कलर नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट वन पे रखता हूँ, इसको ज़रा प्ले करके देखता हूँ मैं। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, प्ले कर दिया। अब ये देखिए अच्छे से सनराइज़ हो गया। इसको ज़रा मैं टेस्ट मूवी करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखिए कैसे अच्छे से सनराइज़ हो रहा है ना, सन बड़ा भी हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है, तो एकदम परफेक्ट सनराइज़ हो रहा है। और सन पीछे से भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा सनराइज़ हो रहा है। तो ये मैंने सक्सेसफुली सनराइज़ बना लिया है। अब सनसेट भी मैंने बताया था कि सनसेट कैसे होगा। तो सनसेट होने के लिए सबसे पहले देखिए कि एक ही कैनवस में, एक ही एरिया में अगर आप सनराइज भी करेंगे सनसेट भी करेंगे तो दोनों ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा सीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है वर्क स्पेस के जस्ट बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है सीन वन। तो यहाँ पे आपको सीन वन है, तो सीन वन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और सीन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको सनसेट करना है। तो सनसेट करने के लिए एक सीन कैसे क्रिएट करेंगे, तो इंसर्ट में जाके अगर आप यहाँ पे सीन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक और सीन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखिए सीन, तो सीन वन यहाँ पे आप क्लिक करिए, सीन वन में आपका परफेक्टली एनिमेशन बन चुका है। सीन टू में आप जाएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक है, पूरा का पूरा ब्लैंक है। अब आप क्या चाहते हैं कि उसी सीनरी में सनसेट हो, या आप चाहते हैं कि दूसरे सीनरी में सनसेट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी सीनरी में सनसेट हो, तो आप क्या करेंगे, सीन वन में आप जाएंगे और इस लेयर को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप कॉपी करिए, और सीन टू में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया लेयर वन आ गया। तो लेयर वन में ही आपका दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है। या फिर एक आप काम और कर सकते हैं दोस्तों कि लेयर वन पे आइए और सॉरी ये सीन वन है, सीन वन में आइए और सीन वन में आपने पूरा कॉपी कर लिया, और सीन टू में जंप करिए और सीन टू में जाके आप पेस्ट कर दीजिए। तो सीन टू में जाके जैसे आपने पेस्ट किया है तो यहाँ पर वापस लेयर वन आ रहा है। ओके ट्राई करते हैं। हाँ तो ये देखिए ये यहाँ पे सन है, तो सन को थोड़ा सा यहाँ देखते हैं और इमेज को थोड़ा सा सेट करते हैं। तो यहाँ इमेज को मैंने सेट कर लिया है और सन को अब थोड़ा सा क्या करना है कि सनसेट करना है। तो इस लेयर का नाम फिर से मैं क्या करूँगा, सीन रख देता हूँ मैं, या सीनरी भी रख सकता हूँ मैं, ये सीनरी मैंने रख दिया है। और यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो सन और सीनरी दोनों है, तो सीनरी में ये है और सन में क्या आना चाहिए, तो सन में मैंने इसको कट किया है और सन में जाके मैंने इसको पेस्ट किया है। अब सन कहाँ पे है, ये सन ये ऊपर आ जा रहा है, तो आपको कहाँ होना चाहिए सन, ये सन जो है इसका जो ऑर्डर है इसको ज़रा रीऑर्डर करिए, और यहाँ पे रीऑर्डर हो चुका है। अब क्या करेंगे आप कि इस सन को आपको पकड़ना होगा, ये सन आपको इसलिए आप क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे हैं क्योंकि ये नीचे आ गया है। तो आप वापस रीऑर्डर करिए, आप इस सन को आप क्लिक करिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करिए, और इससे आप सन को क्या कर आपने क्या कर दिया कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसको आप येलो कर दीजिए कलर में। तो ये येलो हो गया है, और मान लीजिए कि मुझे सनसेट यहाँ से करना है, तो ये सन है और ये सनसेट होने के लिए रेडी है। तो जो फ्रेम वन है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक सीनरी है और एक सन है। तो आप वापस 30 में जाइए और दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए एक राइट क्लिक करिए और इंसर्ट की फ्रेम करिए। तो जैसे ही आपने इंसर्ट की फ्रेम किया तो आपको क्या करना है कि लास्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और सन को नीचे ले आना है। कहाँ ले आना है, नीचे ले आना है, और ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाए और इसका कलर कौन सा हो जाए, इसका कलर जो है वापस से ऑरेंज हो जाए, क्योंकि जब सनसेट होता है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है। देखिए ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है, पहले पॉइंट में सन यहाँ दिख रहा है और लास्ट पॉइंट पे आपको यहाँ दिख रहा है।
अब आपको क्या करना है कि किसी भी बीच में कहीं पर भी एक फ्रेम में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वापस क्या करना है, शेप ट्विन, मोशन ट्विन नहीं, शेप ट्विन करना है। अब देखिए आप ज़रा इसको कंट्रोल करके देखिए, प्ले करके देखिए, ये देखिए प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पे सन जो है ये ऊपर है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, लेयर का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। अब ज़रा मैं कंट्रोल करके प्ले करके देखता हूँ, ये देखिए ये सनसेट हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सनसेट। इसको मैं टेस्ट मूवी करके देखता हूँ, तो टेस्ट मूवी जब मैं करूँगा तो सीन वन पहले दिख रहा है और सीन टू उसके बाद दिख रहा है, देख रहे हैं, सन सनराइज हो रहा है। और सनसेट में मैंने थोड़ा सन को थोड़ा वापस तिरछे से लाया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन रिपीटिव लगेगा, इसलिए सन को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा तिरछे से साइड से मैं लाया हूँ, तो सनसेट हो रहा है। तो ये सनराइज हो रहा है और ये सनसेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जब सनराइज और सनसेट हो रहा है तो सीनरी थोड़ा सा शेक कर रहा है, वो इसलिए शेक कर रहा है क्योंकि उसका पोजीशन सेट नहीं है। तो आइए इस पे भी थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, अब इस पे भी देख लेते हैं कि ये जो बैकग्राउंड शेक कर रहा है ये शेक क्यों कर रहा है। तो इसका लोकेशन भी एग्जैक्ट होना चाहिए, तो इसका ये लोकेशन कैसे एग्जैक्ट होगा, तो अगर मैं सीन वन पे जंप करूँ तो सीन वन पे इस इमेज को जैसे मैं क्लिक करता हूँ सीनरी के इमेज पे, तो इसके विंड प्रॉपर्टी में आइए, तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका एक लोकेशन मिलेगा आपको एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्या दिया है, एक्स है 1 और वाई है 2। अब सीन 2 में आइए और इसका एक्स क्या दिया है, इसका एक्स 1 करिए और इसका वाई क्या करिए, 2 करिए, क्योंकि हाइट विथ तो दोनों का सेम था। चेक कर लीजिए सीन 1 में जो हाइट है विद है वो 549.0 है और हाइट 394 है। सीन 2 में चेक कर लीजिए, सीन 2 में जो इसका है 594 और 549 और 394, तो हाइट विथ इसलिए सेम है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। एक्स वाई सेम इसलिए नहीं है, कोऑर्डिनेट इसलिए सेम नहीं है क्योंकि मैंने जब पेस्ट किया था उसी कोऑर्डिनेट पे सेम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने पेस्ट किया। अब ये काम परफेक्ट करेगा, जरा टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट मूवी कर लेता हूँ मैं। ये सनराइज हो रहा है और सनसेट होते समय ज्यादा शेक नहीं कर रहा, आई थिंक नहीं शेक कर रहा है, बहुत माइनर शेक कर रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सनराइज और सनसेट होने का एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाया। आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को इस तरह के एनिमेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सनसेट या सनराइज का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, अपने दोस्तों कलीग्स को ये वीडियो शेयर करिए, और अगर एनिमेशन में आपको कोई छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाना है सनराइज सनसेट पे तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, वीडियो में कुछ और पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपकी सबसे पहले आपको मिल सके। और सीखते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।